नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। सबसे पहले बात करते हैं यूपी के हसनपुर की, जहां पर शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार को लेकर दिल्ली में सम्मानित किए गए प्रधानाचार्य परम सिंह श्रीमती सुखदेवी इंटर कॉलेज पहुंचे। यहां उनका स्कूल के स्टाफ ने जोरदार स्वागत किया। परम सिंह ने बताया कि 22 फरवरी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र के अनुपालन में अरविंदो सोसाइटी के शून्य से सशक्तिकरण नामक कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया गया था। आज की जो ये मीटिंग हुई, इसमें प्रधानाचार्य जी को दिल्ली में सम्मानित किया गया है, जो हमारे छात्रों के लिए प्रपत्र था कसौटी और अध्यापकों के लिए प्रपत्र था दर्पण और एक प्रपत्र पूरे विद्यालय के लिए था प्रभा, और इन तीनों को मिला के था एक संकल्प। उसके विषय में प्रधानाचार्य जी ने बताया। पता तो हमें बहुत पहले से ही है उन चीज़ों का, लेकिन इस बात की हमें अत्यंत खुशी है कि ये जो प्रपत्र हैं ये 18 प्रदेशों में लागू हुए हैं और माननीय मिनिस्टर ऑफ HRD जी ने भी इसका बहुत ही प्रशंसा की है। बहुत अच्छे प्रपत्र है। तो ये बताइए कि आज के जैसे प्रधानाचार्य पहले थे ये, इसमें क्या बदलाव आया है इसको? नहीं, इसमें तो ये अभी बीच में ही रुक गए थे, क्योंकि इसमें एक बीच में बंद कर दिया गया था इसको किन्हीं कारणों में, लेकिन अब जब से प्रधानाचार्य अब आए हैं तो प्रधानाचार्य ने कहा फिर से लागू किए थे, तो उन्होंने लागू किया किया। और वहाँ भारत सरकार और श्री अरविंदो सोसाइटी के द्वारा सभी नवाचारक शिक्षकों को सम्मानित किया गया था, और ये सम्मान के जो वास्तविक हकदार हैं इस विद्यालय के शिक्षक हैं, जिनके सहयोग से अपने विद्यालय में 2011-12 से संकल्प नामक कार्यक्रम जो नवाचार के रूप में लागू कर रहा हूँ, और उससे विद्यालय बहुत ऊँचाइयों पर पहुँचा है और प्रत्येक बच्चे का हम सर्वोन्मुखी विकास करने में सफल हुए हैं। उसके चार अंग हैं। सबसे पहला है कसौटी, जो प्रत्येक बच्चे के सर्वोन्मुखी विकास को सुनिश्चित करता है। दूसरा दर्पण, दर्पण का जो मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक अध्यापक के मेहनत का जो पूरा पूरा प्रतिफल है वह बच्चों को मिलना चाहिए, और उस अध्यापक को भी उसके कार्य और सामर्थ्य के अनुसार जिस तरह से प्रतिफल बच्चे की उपलब्धि के रूप में मिलता है, ऐसे समाज में उसको भी सम्मान मिलना चाहिए। और तीसरा जो उसका प्रपत्र है वह है प्रवाह, और प्रवाह जैसा कि उसके नाम से ही विदित है कि प्रवाह एक बहुत बड़ी विशाल जलधारा का नाम है, जहां पर अध्यापक, अभिभावक, प्रबंध समिति, समाज के सब शिक्षा से जुड़े हुए लोग, और वो सब अभिभावक जो पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं परंतु अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, और हम सब मिलकर इसके संयुक्त प्रयास से एक ज्ञान का ऐसा प्रवाह हो, ऐसा ज्ञान का प्रवाह हो, एक नव भारत का हम निर्माण कर सकें, इसको दृष्टिगत रखते हुए पूरे विद्यालय के कितना विकास किया हमने प्रतिवर्ष, उसके इंडिकेटर के रूप में हमने प्रवाह नामक तीसरा पत्र तैयार किया, जिन तीनों को भारत सरकार ने स्वीकार किया है श्री अरविंदो की सोसाइटी के माध्यम से, और 18 प्रदेशों में लागू हो गया है, और जैसा कि वहाँ बताया गया था कि 25 प्रदेशों से कांटेक्ट हो गया है बाकी में लागू करने की योजना उन्हीं के वहाँ पर, जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री जी ने जो उद्बोधन दिया, जो हमारे लिए प्रेरणा दी, वह प्रेरणा मैं अपने इस विद्यालय परिवार तक पहुँचा कर इनका सम्मान बढ़ा सकूँ, इनको और ज़्यादा प्रेरित कर सकूँ, आप सबका विद्यालय के लिए और अधिक सहयोग ले सकूँ, इसीलिए आज की ये मीटिंग बुलाई थी। आप सब यहाँ आए, आप सब ने हमारा मान बढ़ाया, हमें प्रेरित किया, इसके लिए मैं आप सबका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।